जेडी के स्मार्ट क्लास में हम सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर वन, जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासरूम के सराउंड फिल्म। और जहां हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में, इम्पोर्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टर के बारे में, कि इम्पोर्टर क्या होता है। तो आपने नाम सुना होगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, नाम सुना है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का, इसका मतलब जानते ही होंगे आप। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। इम्पोर्ट का मतलब है आया, मतलब आया कोई चीज आपने मंगाया, ठीक है। और एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात होता है, यानी कि आपने कुछ भेजा, ठीक है, जो चीज का उत्पादन जहाँ होता है वो चीज की होती रहती है, ठीक है। अच्छा, कल एक चीज मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया था, और एक चीज में रिकरेक्शन कराना चाहता हूँ। मैं शायद ध्यान नहीं दे रहा था, जो भी रीजन था, लेकिन मैंने कहा था कि आप बल्ब मंगा रहे हैं 5 मई की डेट है 2023, है ना, 2023 की, और आपका बल्ब आपने आज की डेट में, हमारी 5 जनवरी की डेट में बल्ब खराब हो गया, तो 1 साल की वैलिडिटी होती है, आप बल्ब वापस कर सकते हैं। तो मैंने एक नहीं पूछा था कि आपका दुकानदार अगर आपने जाते हैं 5 जनवरी को वापस करने और बल्ब वापस करके दूसरा तो देगा ही, कॉमन सी बात है, तो कौन सा डेट डालता है। तो कल हम लोग कह रहे थे ये नहीं, वहाँ गलती हो गई थी, हमें वो हमेशा पुराना डेट आता है, वो हमेशा पुराना डेट डाले। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी जाके यूज कर लिया है। पुराना डेट डालने का मतलब क्या है, कि आप अभी भी वो यही दिखा रहा कि आप 5 मई को ही हमारे वहां खड़े, ताकि मई को जाते जाते क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, समझ आई बात ना। तो ये थोड़ा रिकरेक्शन कर लीजिए, मेरी गलती थी या फिर जो भी रीजन रहा हो। तो ये था, मैं चाह रहा था कि पिछले गाँव क्योंकि वो वीडियो पड़ी है, तो ये वीडियो भी है, लगे कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया उस चीज को। तो हमेशा याद रखिएगा, पुराना डेट डाला जाता है, बस वो दुकानदार डालता है, इसलिए क्योंकि आपने मई से लेकर जनवरी तक लगभग ज्यादा दिन यूज कर दिया, बचे कितने, सिर्फ 5 दिन महीने बचे थे, इसलिए पुराना डेट डालेगा, ताकि 5 मई आके आके 1 साल पूरा हो जाएगा, फिर उसकी वैलिडिटी बनी, काम खत्म हो जाएगा, यही हो रहा ना सबकी बात, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद से आज हमें पढ़ना है इम्पोर्टर के बारे में, यानी क्या होगा आया, है ना। कह रहा है इम्पोर्टर कैन बी इंडिविजुअल और कंपनी सर्टिफाइड, तो जो इम्पोर्टर होते हैं वो व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि कंपनी के द्वारा ही ये भी अपॉइंट किया हो। कल हमने बताया था कि जो आपका तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन करता है, कंपनी, कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, कंपनी के द्वारा क्यों अपॉइंट किया जाता है, ताकि ये क्या कर सके, हमारे सेल्स ग्रोथ, यानी कंपनी के सेल्स को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, बात समझ आ रही बात। यानी कि सबसे पहले ऊपर दिया हुआ था क्या, मैन्युफैक्चरर, टाइप्स ऑफ सप्लायर पढ़ रहे थे हम लोग, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद दिया हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके बाद दिया हुआ है इम्पोर्टर। यानी मैन्युफैक्चरर वो होता है जो कंपनी का ऑनर होता है, जो चीजों को बनाता है, और वो चीजें किसको देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ताकि उनके सेल्स को बढ़ाया जा सके, और मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी चीज कम रेट पे देता है, उसमें उसमें फर्स्ट क्लास, और डिस्ट्रीब्यूटर इम्पोर्टर के कोई चीज बेच रहा है या रिटेलर को बेच रहा है तो कुछ कम में बेचेगा, ज्यादा मिलेगा, ज्यादा में बेचेगा, देख कम में क्यों बेचेगा, करते हो 10 रुपये में 5 रुपये बेचोगे। तो मैंने एक बात कहा था कि जैसे मान लो कल एक डिस्कस हुआ था, मान लो एक पेन ड्राइव एक कंपनी बना रही कोई पे, तो इसकी उसकी लागत है 10 रुपए, मान कितने की लागत है 10 रुपए, एक मैं मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ, एक पेन ड्राइव बना रहा है, उसकी लागत 10 रुपए है, कंपनी 10 रुपए बेचेगी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा में बेचेगी, और इसमें प्राइस भी मेंटेन करेगी ना, इसमें प्राइस कौन डालता है, मैन्युफैक्चरर ही प्राइस कौन डालता है, तो बताइए कितना रेट डालेगा, अगर 10 रुपए लागत लगा है तो कितना रेट डाल सकते हैं। बीस पच्चीस मान लो 20 25 डाल दिया, 25 डाल दिया, तो बेचेगा कितने में, 15 में बेचेगा, ठीक है, 15 में बेचेगा, इसको बेच दिया 5 रुपये का, 15 बेच दिया, ये 15 में खरीदेगा, ये कितने में बेचेगा, 18 में बेचेगा, हाँ कितना कम का मार्जिन लेके 18 में। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा 25 रुपया, कभी भी कोई चीज बनाया जाता है ना तो लंबे टाइम अमाउंट बढ़ा के लिखा जाता है, क्योंकि ये अनुमानित भेजा जाता है कि पेंडाइज जा रहा है, फिर कहाँ तक जाएगा, वहां तक जाते जाते किसका रेट कितना हो जाए, यानी कोई भी वैल्यू से इसमें लागत 10 रुपए की है,
लेकिन सारे 1.5 2 ढाई रुपए लगा लेते, क्योंकि हर कोई कमाएगा। खुद तो देख एज्यूम कर दो कि मान लो तुमने कहा कि सर 1 रुपए 25 रुपए डाल दो, तो ज्यादा इतना उतने में बेचेगा? या कभी ऐसा हुआ कि 5 की बिस्किट आप 10 रुपए कर देंगे? नहीं हो सकता है, कोई कस्टमर नहीं देगा आपको। यानी कि जो प्राइस होता है वो एक्सपेक्टेड करके बनाया जाता है, अनुमानित अनुमान लगा के, हाँ कि भविष्य में इसकी जाते जाते इतनी महंगी हो जाए, इतना हो जाए। टेम्पू जो 1 रुपया में आता है वो बताओ तो कितना बेचेगा? टेम्पू लागत कितनी लगती होगी? 2 से 3 पैसे, बेचता होगा 20 25 पैसे, और आप कितने बेचते हैं दुकानदार? 1 रुपया में। तो कितने में दुकानदार खरीदता होगा सब? तो अच्छा समझ रहे ना, इतना कम मार्जिन लगा रहे थे तो बर्बाद करो कंपनी, समझ में आ रही बात ना? तो कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर कुछ चीज बनाता है तो उस पे रेट कैसा डालता है? अनुमान लगा के कि भविष्य में जब ये लाख कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो इसका रेट इतना हो जाए, समझ रहे ना बात को? तो मैन्युफैक्चरर्स की बात से किसकी बात आई थी? डिस्ट्रीब्यूटर की। और यह बात आई थी कि डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर की अपेक्षा ज्यादा पैसे में चीजें बेचता है, भाई हम 10 रुपये में खरीदे उधर ही हम बढ़ा के बेचेंगे। तो इसलिए अगर इसे खर्चा है 10 रुपये में, अगर 10 रुपये में इसने खरीदा है डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो डिस्ट्रीब्यूटर आगे जब रिटेलर को बेचेगा कितने में बेचेगा? कम से कम बढ़ा के ही बेचेगा, जितना भी बेचेगा बढ़ा के ही बेचेगा। और रिटेलर क्या करेगा? और बढ़ा के बेचेगा, और तब जाके पास किसके पास पहुंचेगा चीजें? कंज्यूमर के पास बेचेगा। कंज्यूमर और कस्टमर में अंतर बताया थे आप लोगों को, जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं बेचने के लिए तो हम उसके लिए कस्टमर है, वहां सप्लायर है, और हम आते आदमी को बेच दे रहे हैं जो कंज्यूम कर ले रहा है, यूज कर ले रहा है, वो क्या कहलाता है? बात समझ में आ गई? तो वही है, यानी जो व्यवसायी, तो इम्पोर्टर की बात कहा है, इम्पोर्टर कैन बी इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, और द कंपनी सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट, या कंपनी द्वारा गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड हो सकते हैं, ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्री, किसी किसी देश के लिए, हर देश का, हम यहाँ से कोई चीज भेजते हैं तो उस देश में भी हमारा कोई एजेंट होगा, अपने नाम से होगा आई एस आई एजेंट ना, हर देश में जाकर होगा, आपने बताया तो एक तरीका है, सारे डिटेल वो पहुंचाते हैं। वैसे ही अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो काफी हाई लेवल पे कंट्री कंट्री में, तो हर जगह हमारा कोई ना कोई आदमी होगा। वही बात यहाँ पे कहा है कि कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा अथॉर कर सकती है, सर्टिफाइड किया जा सकते हैं। और क्या कह रहा है? सर्विस फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, और कोई भी सामान आ रहा है कहाँ से? फॉरेन कंट्री से, तो उसको घर तक पहुंचाने में या डोमेस्टिक कंट्री में पहुंचाने का काम कौन करता है? इम्पोर्टर का काम क्या होता है कि कोई अगर मान लो 1 पीस मान लो टाइम प्याज की कमी है लेकिन तो गवर्नमेंट दूसरे देश से प्याज मंगवाएंगे। अब इम्पोर्टर का काम क्या होगा? जब वहां से रिसीव करेगा ऑर्डर तो उसका काम होगा कि फिर डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री मतलब जो आपकी आपका जो देश है, आपका जो देश, उस देश तक लाने में, गुडाउन तक लाने में किसका काम? जैसे मान लो उनको किसी कमी हुई मंगाएंगे दूसरे देश से, जाहिर सी बात है। अच्छा तेल कहाँ से मंगाते हैं? दूसरे देश से मंगाते हैं, तेल मंगा रहे हैं तो तेल पहले आके वहाँ एक जगह पोर्ट पे उतरेगा कहीं, वहां से इम्पोर्टर का काम स्टार्ट होता है कि उस चीज से उठा के अपने डोमेस्टिक कंट्री तक लाना, गोडाउन तक लाना किसका काम होता है? इम्पोर्टर का। और किसी तरह चुना गया है, या तो खुद व्यक्तिगत भी हो सकता है, जैसे मान लो ये ट्रक पर सामान उतरवा रहे हो, ऑर्डर आता है ना उसके पास, तेल क्या है ये इंडिविजुअल है, कोई गवर्नमेंट थोड़ी रखती है, तो गवर्नमेंट भी रह सकती है और आप व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, प्राइवेट। तो वही बात यहाँ पे कहा है, उसका काम क्या होता है? चाहे वो गुड्स आ रहा हो या चाहे सर्विस आ रहा हो, कहाँ से? फॉरेन कंट्री से, तो आपका काम होता है कि उस चीज को कहाँ पहुंचाए, घर या डोमेस्टिक में, ठीक है? कह रहा है मोस्ट ऑफ द रिटेल बिजनेस, क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द रिटेल बिजनेस बाई इम्पोर्टेड गुड, और ज्यादातर बिजनेस में क्या करते हैं? इम्पोर्टेड गुड को मंगाते हैं, खरीदते हैं फ्रॉम द डोमेस्टिक इम्पोर्टर। किससे खरीदते हैं? अब हमको कोई सामान खरीदना, मान लो मेरे देश में कोई सामान आता है, अब हमको खरीदना है तो हम अपने डोमेस्टिक इम्पोर्टर से बात करेंगे कि विदेश वाले से बात करेंगे? डोमेस्टिक से बात करेंगे, क्योंकि हमको यही चीजें मिलेंगी। वही बात यहाँ बता, फ्रॉम द डोमेस्टिक इम्पोर्टर एंड दीज इम्पोर्टर कैरी ऑन देयर ऑपरेशन वर्क टू लाइक डोमेस्टिक, और यही जो काम करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे उन्हें हम बोलते हैं डोमेस्टिक गुड्स, क्या बोलते हैं? ठीक है। उसके बाद ट्रेडर है, ट्रेडर सब किससे बना है? ट्रेड से, और ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यवसाय होता है, क्या होता है? व्यवसाय, ठीक है, याद रखिएगा, व्यवसाय होता है। कह रहा है कि उसमें दो चीजें हैं, कह रहा दी जा रही इंडिविजुअल, ये भी एक व्यक्तिगत हो सकते हैं, या किसी फर्म के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, फर्म के द्वारा, हु बाई एंड सेल्स द गुड, जिनका काम क्या होता है? चीजों को खरीदना और उसे बेचना, जैसे
जैसे लोग कबाड़ भी खरीदते हैं, या लोग देखोगे गांव में लोग गेहूं चावल खरीदते हैं तो क्या करोगे, सब खा लेते होंगे। नहीं, उनका भी वो बिजनेस है कि आपसे खरीदा और पक्का 1 रुपया बढ़ा के वो बेच, या सही समय पर वेट करेंगे जब देखेंगे रेट बढ़ गया तो बेच। आपको पता नहीं होगा, एक बात बता दूं, अगर आपका चावल गेहूं हुआ है आप 20 रुपए केजी बेच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का भी एक योजना चल रहा है उसमें भी धान गेहूं उस पर रेट ज्यादा मिलता है 22 वही पर केजी के पीछे। अगर पर केजी के पीछे आप 3-4 रुपए कमा रहे हैं कितने हुए, लेकिन उसको बेचने के लिए क्या होता है कि किसान निधि है, इसके साथ क्या होता है आपको रजिस्ट्रेशन कराना तब जाके फिर बेच पाते। इसमें बहुत कम लोग बिजनेस नहीं करते हैं, या किसी गरीब को देकर अपना बेचवा देते हैं। कारण क्या है, क्योंकि अगर आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा तो इससे पता चल जाएगा कि आप ज्यादा अनाज बेच रहे हैं, और आप अगर आपके पास इतना अनाज अनाज हो रहा है कि आपको बेचना पड़ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है कि राशन कार्ड बोल, समझ रहे हैं ना। इसलिए लोग छूटते भी हैं इसके बीच। हमारा तुम बहुत गरीब हो, मैं अपना गेहूं चावल रुक पाया आपसे दे दिया तो भाई लोग तुम ले लो, और तुम क्या करोगे तुम अपना बेचोगे तो मेरा भी बढ़ा के बेच दो, समझ रहे ना। लेकिन आप भी हाईलाइट में आ जाएंगे, मान लो आप गरीब हैं और अफोर्ड नहीं राशन कार्ड के लिए, लेकिन घर में ये नहीं है खाने का दाना नहीं है उनके लिए, लेकिन गवर्नमेंट को ये कितना लगाते हैं बताया था आपको, गवर्नमेंट हमसे 20 रुपये में खरीदती है, 20-22 रुपये में खरीदती है, हाँ, और हमको 2 रुपया में या फ्री में दे देती है, फ्री में राशन भी तो मिलता है, और आप कितने चालाक हैं फिर खरीद उसी को बेच देते हैं 20-18 रुपये। यानी गवर्नमेंट यहाँ लॉस ली है या 18 रुपये का लॉस देखेगी तो आपको दिए ना, या 20 रुपये का और फिर आप बेच दे रहे, समझ रहे ना। ये सब चीजें चलती रहती है। तो उसमें दो चीजों की बात किया है, एक होलसेलर की बात क्या है, एक रिटेलर, जैसे होता है ना थोक विक्रेता और खुदरा, वही बात। होलसेलर द फोन कंपनी हु इज सेलिंग द गुड्स टू द रिटेलर, और होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को, और रिटेलर कंज कह रहा है दिस फोन कंपनी हु इज सेलिंग द गुड्स टू द रिटेलर इन बल्क, बल्क मतलब ज्यादा इकट्ठा ज्यादा बेचता है, और किस रेट पे, चीपर मतलब चपटा, हाँ सस्ता, चीपर मतलब सस्ता, हाँ लोग गाँव में चीपर ही कहते हैं, बनता है गोरा वोरा टाइप का, क्या पता है आप वही मीन करा दे, चीपर इज द टर्म एज होलसेलर, उसका उसी को क्या बोलते हैं होलसेलर बोलते हैं जो बल्क में चीज, जो नॉर्मल चीज नहीं बेचते हैं, मतलब कोई चीज आपको एक लेना हो तो नहीं बेचने मिलेगा, वो आपको इकट्ठा में मिलता है लेकिन सस्ते में, और होलसेलर किसको बेचता है रिटेलर, दे सेल द गुड्स इन बल्क, दे सेल सो क्या है सॉरी, दे सेल द गुड्स इन बल्क एंड चीपर रेट, मतलब वही सेम बात जो ऊपर कही गई है कि सामान ज्यादा बेचते हैं बल्क में और सब सस्ते रेट में। रिटेलर क्या कहता है, व्हेन एन इंडिविजुअल और ए फर्म बाय प्रोडक्ट एंड सेल इट इन द कंज्यूमर, यानी रिटेलर का काम क्या होता है, रिटेलर का काम होता है लास्ट में किसके तक पहुंचाना, कंज्यूमर से इस्तेमाल करें, इस टर्म है द रिटेलर, रिटेलर बोलते हैं दे सेल द गुड्स इन लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब आपको जितनी आवश्यकता है आप मेरे पास से वही लेंगे, आपको एक पत्ता कुछ चाहिए या एक पीस साबुन चाहिए मैं दूंगा, लेकिन वही दूसरे के पास जाएंगे तो वो एक पीस नहीं देगा पूरा बल्क, वही बात है। यानी कि ये रिटेलर का काम क्या होता है, आपकी जितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है आपको उतनी ही चीजें आपको देगा, आधा चाहिए एक चाहिए उतना ही, लेकिन वहां पे क्या होगा वहां बल्क ही मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में इंड पे कहाँ रहता है हाइयर रेट, इसपे हाइयर रेट पे आप कंज्यूमर को बेच, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप एक पत्ता पेन खरीद रहे हैं, अगर 3-4 पेन है तो आपको पत्ता पड़ता है 6 रुपया, लेकिन आप बेचते हैं 9 रुपये में 10 रुपये, तो एक एक बेचेंगे तो फायदा होगा और इकट्ठा बेचेंगे तो बेनिफिट, समझ रहे हैं। जैसे मेरे मेरी एजेंसी पे ग्राम बोला, तो जो वाटर बॉटल आप 20 रुपये में खरीदते हैं किनले का, किनले या कॉफी ना जो भी खरीदते हैं आप लोग, वो बॉटल हम लोगों को पड़ती है 8 रुपया 70 पैसे, ठीक है मुझे पड़ती है 8 रुपया 70 पैसे में, और मैं मार्केट में बेचता हूँ 11 रुपया 20 पैसे, और दुकान वाले 20 रुपया, और ठीक है दुनिया लेके तो ठंडा कराएंगे, लेकिन इस वक्त देखते हैं कोल्ड ड्रिंक में क्या है, कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर वाला हम लोग की वहां से निकलता है 77 रुपया में 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक, तो जाहिर बात हमें और सस्ता मिलता होगा, लेकिन सुप्रीम कितना रहता है 95 का, तो नहीं बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, लेकिन अपने वहां के बदले लखनऊ में चले जाइए गोरखपुर में चले जाइए, इतना रेट है उससे 1 रुपया एक्स्ट्रा कोई नहीं लेता है, क्योंकि वो कम कमाए नहीं, लेकिन
दिमाग भी नहीं बढ़ सकता है। तो ठीक है, हमारे पास पढ़ाने वाला है ना, बैठा बता देंगे। तो यहाँ क्या है, अब सोचो 77 रुपये वो खरीदा है हमसे, ऑलरेडी वो ज्यादा का मार्जिन ले रहा है, 3 पे इधर 15 ही है, लगभग 18 रुपये का। उसके बाद भी वो तुमसे 5 रुपये ठंडा करा ही लेगी, यानी 100 रुपये। सोचिए क्या फायदा होगा, हम लोग इतना होता है मुश्किल से 5 से 7 रुपये पर बढ़। अभी नहीं करेंगे हम, वो दुकानें तो खोल रहे हैं, वो 20 रुपये में बेचेंगे, यही करेंगे, ये सब नहीं होता, बिजनेस यही है भाई। क्योंकि हम कम बेनिफिट में कैसे, कुछ कुछ दुकान वाले बहुत उजड़ होते हैं, वो कोई चीज 100 रुपये खरीद कर आए हैं, उन्होंने सोचा कि 150 में बेचेंगे, अगर 150 में नहीं बिके जो 30 ले जाएंगे, 150 में बेचेंगे, ठीक हो जाए। दो तीन बार दुकान बैठे रहते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, 10 रुपये कम ही होगा, 40 में भी बेचेंगे, कुछ समझदार, उनको पता है कि भाई हमारे हम अभी भी 40 रुपये प्रॉफिट में है, ये समझदारी ही बिजनेस का फैक्टर है। लेकिन कुछ उजड़ हो रहे हैं, उनको दुकान के बजे लोग फिर जाने का मन ही नहीं करे, तो यही सब बातें हैं। लेकिन बिजनेस का फैक्टर में क्या है, लोगों से जितना आप प्रेम भाव से रहेंगे, और जब दुकानदार कर दिया कि आप अपने हैं, तो समझिए लूट गया, क्योंकि अपना के ज्यादा लेते हैं लोग दुकान पे, ये जान लीजिएगा। अच्छी जगह जाइए, कभी भी कोई सामान लीजिए तो तोल भाव कई जगह कर लीजिए, और कंसेशन कराना कोई मस्ती वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप गरीबी है लोग कंसेशन कराते हैं, ठीक है, कराना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि है मार्जिन है। बताया था ना चश्मा वाली स्टोरी में, नहीं बताया था, मैं लखनऊ में था एग्जाम देने, एन टी ओ लखनऊ, मेरा एग्जाम तब तक ब्रिज पर, जो बड़ा वाला ब्रिज है उसके नीचे मेरे को था, मेरे अंकल बोली मैं आ रहा हूँ, कहीं खड़े रहे, तब तो मुझे रास्ते भी लगाया हुआ था काफी अच्छे से, दुकान वुकान डेकोरेट लगी, उसमें मुझे एक गॉगल पसंद आया था, धूप था, मैं भी सोचा भाई आया हूँ शहर में पहली बार लखनऊ, कुछ खरीद लूँ, तो मैं बोला चश्मा क्रेडिबल लिखा हुआ था, बोला कितने का है, बोला भैया 500 रुपये, भी सोचे भाई 500 ज्यादा होंगे, कुछ कम कर दी, बोला ठीक है कोई बात नहीं, 450 रुपया मुझे दे, और मैं फैसला निकाल के काउंट कर दूंगा, भाई दे दो 450 रुपया, चश्मा ले, तब तक मेरे अंकल संजोग से पहुंच, बोले क्या करो चश्मा ले कितने में, बोले 500, बोले 450 मांग रहे हैं, तो चाचा उसे तरफ देख के बोले हाँ वो हाँ मांगना चश्मा है, क्या ठीक है, मेरे चाचा तुम क्या बोले, 50 रुपया दूंगा, अच्छा बोला नहीं बहुत कम है, बस और खा ली, अब तो जो प्रधानमंत्री कितना जो ले रहा था, मैं दे भी दिया था, तुम नहीं आते, ये है बिजनेस का तरीका, रो और मैं दे भी दिया होता तो मेरे चाचा नहीं आया होता, तो जो चीज़ मुझे 500 बोलता वो मुझे 60 रुपये में सकती है। अब कौन सड़क पे ब्रांडेड बेचेगा रिबन का, रिबन तो ब्रांडेड बहुत महंगा है, लेकिन बस लिखा हुआ था मैं था पहली बार लखनऊ गया था, होता है कॉमन चीजें होती है, आपके लिए भैया कहाँ है तो वहीं पे घुमा जाएगा, बाकी स्टेशन के पास वो खड़े जा रहा है, तुमको पता है कहाँ पे जगह, गृहस्थी होते हुए कचरा टोली क्लॉथ करके रास्ता करने का काम नहीं होगा, लाके स्टेशन पहुंचा देगा, आपको भी लगेगा हाँ घूम रहे हैं। तो कभी भी गूगल का सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि शहरों में गूगल अच्छा चलता है, या आप तो मॉडर्न हो गए, आप रेपिडो यूज करिए वो प्रॉपर जगह पर ले जाए, लेकिन ऑटो वाले घिरा देंगे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब हम लोग बड़े हो गए हैं, तो इन सब मामलों में जागरूक होने की जरूरत है, ठीक है। चलिए तो होलसेल और रिटेल समझ में आ गया आपको, अब हम बात करेंगे इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पहले इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस, प्रोक्यूरिंग, प्रोक्यूरिंग का मतलब कल ही बताया था क्या होता है, प्राप्ति होता है, इसी के ब्रैकेट में लिखा होगा बाइंग प्रोसेस, बाइंग प्रोसेस का मतलब अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, मान लो फोन ही खरीद रहे हैं, ये फोन मुझे मिल रहा है, मतलब मुझे क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है, तो प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या होता है, प्राप्ति, या इंग्लिश में बोल दीजिए बाइंग प्रोसेस, क्या होता है बाइंग प्रोसेस, स्टोरिंग यानी कि रखना, पाइप सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और इन्वेंट्री टू द सप्लायर, और क्या करते हैं हमें सेल करना किसको, सप्लायर को, और एंड ऑफ कंज्यूमर किसको किसको रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा ये बात कई बार मैंने कह चुका हूँ कि अगर हम परचेज करते हैं तो भी सामने वाले की बात करेंगे, सेल करेंगे तो भी सामने वाले की बात करेंगे, अगर हम परचेज करते हैं सामने वाला क्या कराता है हमारा, सप्लायर कहलाता है, और सेल करते हैं सामने वाला क्या होता है हमारा, कंज्यूमर होता है, सप्लायर से लेके कस्टमर, कस्टमर से लेके कहाँ तक, कंज्यूमर तक, इन सारी चीजें को रिकॉर्ड है। क्या क्या हमने जानने के लिए है इन एनी बिजनेस नोइंग, किसी भी व्यापार में क्या क्या चीजें हमें जानने लायक है, चलिए देखते हैं क्या क्या जानने लायक है। चाहो नहीं क्या
तो ये बहुत स्पीड में चलता है ये, थोड़ा सा देख लो। चले हो गया। हाँ ठीक अब देखिए, अब हमें क्या कहना है, बिजनेस में क्या क्या चीजों में जाने लगा, इवेंट टू ऑर्डर, कब हमें ऑर्डर मिले या कब हमें ऑर्डर करना है, हाउ मच स्टॉक क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, यानी कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें, कितनी मात्रा में कोई चीज ऑर्डर करना, और इवेंट टू री ऑर्डर, री ऑर्डर का मतलब, अच्छा री शब्द में री शब्द जुड़ जाए, री आ रही, री का मतलब होता है पुनः एक बार से दोबारा, है ना, दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर है वेयर टू स्टॉक स्टोर द स्टॉक, यानी वो कौन सी जगह होगी जहाँ चीजों को हम स्टोर करेंगे, वही गोडाउन या वेयर हाउस पड़े होंगे। हाउ टू ट्रैक द एक्सपायरी डेट ऑफ द स्टॉक, यानी कैसे हम किसी आइटम को किसी स्टॉक का एक्सपायरी डेट ट्रैक करेंगे। हाउ टू नो द एज बाई डिटेल, यानी एज बाई डिटेल कैसे चेक करेंगे, और हाउ टू सप्लाई द स्टॉक एज क्विकली एज पॉसिबल टू सप्लाई, और कहते हैं हम इस स्टॉक को जो हमने किया है, अगर आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो तुरंत पहले ऑर्डर प्लेस का मैसेज आता है, फिर डिस्पैच होता है, वो कितने देर में डिलीवरी दिखाएगा, एक्सपेक्टेड डेट आती है, फिर तब तक आप उसको ट्रैक कर पाते हैं जब तक डेस्टिनेशन तक वो पहुंच नहीं जाता। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, अपने घर तक, है ना। उसके बाद क्या बोला है, वेन टू मैन्युफैक्चर और द इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चर होगा इन्वेंट्री करेगा, हाँ सप्लाई राइट स्टॉक, यानी सही स्टॉक सही जगह में पहुंचाना एट राइट टाइम, यानी सही समय पे एट राइट पे, जैसे पिज्जा के लिए पॉसिबल नहीं है अभी पता नहीं चल रहा है, नहीं 20 मिनट में पिज्जा पहुंचा ठीक है, पिज्जा लाइक कॉन्सेप्ट चलता है 20 मिनट में अगर डिलीवरी होगी तो ठीक है, एट ए रेट शहर वालों के लिए, अपने वालों के लिए नहीं, हमको आधा मिनट ज्यादा लगा वो भी बढ़िया लाइक रोटी में साथ नहीं कुछ भी है, यहाँ बहुत अजीब है, नहीं चलता है एट राइट प्राइस और उचित मूल्य, ठीक है, विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, काफी विल बी बिकम कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है, कठिन जटिल एंड द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड इफ वी हैव दिस डिटेल एट आवर फिंगर टिप्स, मतलब ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ये चीज हमारे पास है अवेलेबल, कि जगह पता है, चीज पता है, किसको देना है ठीक पता है, ये सारी इंफॉर्मेशन कैसी है हमारी फिंगर टिप्स, मतलब नहीं लोग कहते हैं इंग्लिश में रहता है वही फिंगर टिप पे उंगली पे, विद इन अ मिनट हम कंप्लीट कर लेंगे, यही बात बोला है, यानी हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए विद द टूरिस्ट एंड द ऑन प्रॉफिट, और इससे क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। इन डेली टाइम वी आर प्रोवाइडेड अ पावरफुल इन्वेंटरी एंड ऑर्डर मैनेजमेंट टू एड, एड मतलब हेल्प की बात हो रही है यहां पे, द बिजनेस इन सिंपलीफाइंग द इन्वेंटरी प्रोसेस विद पावरफुल, क्या-क्या पावरफुल फीचर इसमें दिए गए हैं, पहला है बैच बाय डिटेल, उसके बाद है प्राइस लेवल, उसके बाद है ट्रैकिंग आइटम कॉस्ट, एजेंट एनालिसिस करें, एनालिसिस कौन होता है विश्लेषण करना, अच्छा क्या क्या दिया है, बैच बाय डिटेल यानी किस बैच की कोई चीज भेजेंगे, अच्छा आपने पता नहीं ध्यान दिया कि मान लीजिए मेडिसिन का एक पत्ता है हमने यहाँ दुकान से लिया था काल पाल है मान लो, तो ये पत्ता अगर हमने यहाँ से खरीदा है तो वापस करेंगे, आप सोचिए तो किसी भी दुकान से वापस करने नहीं करता, अच्छा वो कैसे दुकानदार जान जाता कि मेरे वहाँ का दवा नहीं है, क्योंकि हर दवा पे एक बैच नंबर लिखा होता है, भले से कालपाल ही है बुखार वाला ही है सबके वहां बुखार वाला कालपाल होगा, लेकिन बैच नंबर सबका अलग होता है, इसी से आपको पकड़ में आते हैं, कई होता है ना कि दूसरी जगह आप पहुंच जाते हैं छह महीने अरे यही लेकर तो पकड़ लेगा, कैसे पकड़ लेगा बैच नंबर से, कहेगा नहीं भैया बैच नंबर यहाँ का नहीं बनाई, ठीक है समझदार हो गया दुनिया। और प्राइस लेवल का मतलब क्या है बाबू, जैसे तीन बात हुई है हमारी अभी, जस्ट होलसेलर डीलर रिटेलर, हम चाहते हैं उसकी ज्यादा महत्व इसको होलसेलर को देते हैं, तो हम सबके लिए पहले ही अमाउंट फिक्स कर लेंगे कि अगर हम हमारे पास होलसेलर लेगा तो हम चीज 190 में बेचेंगे, अगर डीलर होगा तो हम 200 में बेचेंगे, और रिटेलर होगा तो 210 में, प्राइस पहले ही फिक्स कर ली जाएगी इस कंपनी में पड़ेंगे, पहले ही प्राइस फिक्स कर देंगे, मतलब हमको अमाउंट नहीं डालना पड़ेगा, जैसे हमको आइटम लेंगे ना ऑटोमेटिक इन्फॉर्म बन जाएगा कि इसके लिए क्या करना है, क्योंकि एक बार तो मेहनत करना पड़ेगा, और एक बार सब्सक्राइब करेंगे ना एक बार मेहनत करेंगे फिर बाद में सब अपने आप होता जाएगा, यही प्राइस लेने, और ट्रैकिंग आइटम पर ये आइटम भी आपको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक रिवाइज प्राइस लिस्ट आता है, रिवाइज प्राइस लिस्ट का मतलब क्या होता है, हमने अनाउंस कर दिया कि ये चीज 31 तक लागू होगी, और 1 मई से सॉरी 30 अप्रैल तक लागू होगी, और 1 मई से नई प्राइस लागू कर देंगे हम 50 रुपया बढ़ा के 50 रुपया घटा के, तो ये होगा, उससे क्या फायदा होगा कि वही आइटम अगर अप्रैल में बेचेंगे तो क्या होगा, 1 तो 90 या 200 रुपये या 210 की रेट बिकेंगी, और 1 मई से रेट 50 रुपये,
ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन आप लोग अपने लाख करेंगे तो 50% कम में बेच पाएंगे, नहीं आपको क्रेडिट तो आपको डालना नहीं है, अपने आप डाल और वही वही में बेचेंगे 50% तक बढ़ के बेचेंगे सिर्फ इस फिक्स करने की वजह से, ठीक है। और एजिंग एनालिसिस करना, इन्वेंटरी रीऑर्डर स्ट्रेट चेक करना, गुडा आउट कम चेक करना, स्टॉक कम, कितना सामान हमारे वहाँ बचा हुआ है, ये सारी चीजें आपने सीख, ठीक है। बोला विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर, मतलब ये जो फीचर अभी आपने पढ़े इनके मदद से वी कैन इजीली कीप ट्रैक आवर इन्वेंटरी, लाइक हाउ मच इन्वेंटरी लाइक विथ अस, जितनी भी इन्वेंटरी होंगी जो हमारे साथ गुजर रही होंगी हो रही होंगी उनको हम देख पाएंगे व्हाट इज द एज ऑफ इन्वेंटरी, वेन टू प्लेस ऑर्डर विथ बैग और इन्वेंटरी लॉट बी सोल्ड फॉर। अच्छा जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ चीजें पढ़ी होंगी जिनका नाम है लिफो, लिफो लिफो फीफो और हीफो मेथड आया, जो लोग पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में सेकंड ईयर है तो कौन सेकंड ईयर में मिलेगा ये आपको। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब मेरे पास दो सामान, ये सामान पहले से था, ये सामान मेरे पास पहले से था और मैंने नया ऑर्डर और मंगा लिया, मैं एक दुकानदार हूँ और मैंने एक और सामान उससे मंगा था, पहले किसको बेचेंगे इस मेथड के हिसाब से, लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो लास्ट में आया है पहले उसको बेचेंगे। और फीफो का मतलब क्या होता है कि जो पहले आया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले उसको बेचेंगे, सब कंडीशन देता है उसके मुताबिक। फीफो का मतलब क्या होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका अमाउंट दोनों में ज्यादा होगा पहले उसको बेचेंगे, ये नियम कॉस्ट इसमें पड़ेगा, फिर जो भी कम कम वाले उनके लिए तो आसान हो जाएगा और बाकी लोगों को भी आसान हो जाएगा क्योंकि अभी आप लोगों को फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों ने, अब क्या क्या टर्म यूज होने वाले हैं चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। अब कहा है टर्म यूज इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, यानी क्या क्या टर्म इन्वेंटरी मैनेजमेंट में यूज होंगे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट बार बार कह रहा है स्टॉक मैनेजमेंट की बात हो रही है, स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप स्टॉक कैटेगरी। फॉलोइंग अदर फ्यू टर्म आर यूज्ड इन इन्वेंटरी, पहला है स्टॉक आइटम, क्या है स्टॉक आइटम, फिर इज द फिजिकल स्टॉक, ठीक है एक फिजिकल स्टॉक है दैट इज केप्ट इन द गोडाउन, तो कहां रखा गया कीप का ही शॉर्ट फॉर्म केप्ट होता है, केप्ट मतलब रखना, कीप कहां रखा गया गोडाउन और स्टोर, या ऐसे कर सकते हैं कि गोडाउन में रखा हुआ है। अच्छा गोडाउन में किस पर्पज से रखा हुआ है, फॉर सेल, इसके लिए बेचने के लिए, मतलब अगर मैं एक बिजनेस मैन हूँ तो मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ किस उद्देश्य से, मुझे बेचना है, और आप एक कंज्यूमर हैं आप कोई चीज खरीद रहे हैं इसलिए उसका यूज कर, समझ आ रही बात ना, कहा है क्वेश्चन में कि कहा गया, हाँ फॉर सेल एंड इट कैन बी मेजर इन क्वांटिटी। अच्छा कोई भी सामान गोडाउन में जो रखा हुआ है उसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, नहीं होगी क्वांटिटी होगी यूनिट होगी, तो किस में मेजर करेंगे, जैसे आपने सुना होगा कि लिक्विड वाली चीज होती है तो लीटर में मेजर करते हैं, मास वाली चीजें हैं तो किलोग्राम में मेजर करते हैं, हर चीज की फिजिकल यूनिट वही बात है कि मेजर क्वांटिटी होगी। व्हेन वी परचेज द स्टॉक आइटम, जब हम कोई स्टॉक आइटम परचेज करते हैं द क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टॉक आइटम, क्वांटिटी का मतलब क्या है मात्रा, मात्रा मतलब कि कोई चीज खरीद रहे हैं तो कितना पीस कितना, हाँ कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक आइटम इंक्रीज, यानी कि हम जब कोई सामान खरीद रहा है गोडाउन में तो नंबर ऑफ आइटम क्या होंगे इंक्रीज होंगे और बेचेंगे तो डिक्रीज होंगे, समझ में आ गया ना, कुछ चीज हम अपने बढ़ते जा रहे हैं तो बढ़ रही है और बेचेंगे तो घटते जाएगी, वही बात है, ठीक है। इन्वेंट्री इज टाइपिकल ग्रुपेड डाउन इन टू थ्री कैटेगरी, इनको तीन कैटेगरीज में बांटा गया है और ये चीज स्टार्टिंग से पकड़ा था, पूछिए क्या क्या, रॉ मटेरियल कल पढ़ा है सप्लाई चेन में, सुनिए जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं शूज बनाता हूँ तो शूज बनाने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ती होगी, रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और मैं जो बना रहा हूँ प्रोडक्शन कर रहा हूँ, और जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वर्किंग प्रोग्रेस बोलेंगे, और जो जूता उसे तैयार हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, फिनिश, एक ही चीज हमेशा होता है, एक ही चीज, इसी को बोलते हैं सप्लाई ऑफ चेन, हम कोई चीज बनाते हैं तो चीज मंगाएंगे ना उसके लिए बनाने के लिए वो कहलाएगा क्या रॉ मटेरियल, और जो बनाना स्टार्ट कर देते हैं उसे क्या बोलेंगे, और जो चीज बन के इस अवस्था में आ जाएगा कि लोग उसका यूज कर पाए
इस अवस्था में आ जाए कि लोग उसका उपयोग कर पाए, उसे क्या बोलेंगे, फिनिश गुड बोला जाता है। क्या बोला है, फिनिश गुड। फिनिश गुड का मतलब वो मत समझिएगा फिनिश होना समाप्त हो गया, नहीं, यहाँ फिनिश गुड का मतलब वो चीज बनकर तैयार है। अगर हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो फिनिश हो गई, यानी तीन चीजें हैं, सप्लाई चेन के मुताबिक पर्सनली रॉ मटेरियल और जो क्वान्टिटी बनी है उसे बोल रहे हैं वर्किंग प्रोग्रेस, और चीजें बनकर तैयार हो जा रही है, क्या बोल रहे हैं, फिनिश गुड। ठीक है, तो इन्हीं तीन भागों में इसको बांटा गया, यहाँ पे कहा है कि कैटेगराइज किया गया है तीन थ्री टाइप। पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या है, इंक्लूडेड मटेरियल इंटेंडेड टू कंज्यूम द प्रोडक्ट ऑफ फिनिश गुड, जो हमें मदद करती है फिनिश गुड बनाने के लिए। वर्किंग प्रोग्रेस क्या है, इंक्लूडेड आइटम दैट आर मीट मीट प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन मतलब, अरे भाई अगर हम सीधा बनाना स्टार्ट किए तो पहला काम किए रॉ मटेरियल, अब बीच में क्या किए वर्किंग प्रोग्रेस, उसके बाद क्या किए फिनिश गुड। मिड टर्म क्या है, वर्किंग प्रोग्रेस, वही तो कह रहा है। वर्किंग प्रोग्रेस को क्या कहा गया है, मिड टर्म कहा गया है, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड विच आर नॉट एट टू बी स्टेट रेडी टू सेल, जो अभी इस अवस्था में नहीं आ रही है जिसे बेच सके, उसे हम क्या बोल रहे हैं वर्किंग प्रोग्रेस। और फिनिश गुड्स क्या कहा है, दी आर द स्टॉक आइटम विच के हैव बी कंप्लीटेड, जो बन के तैयार है विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किस प्रोसेस से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, बट नॉट एट टू बी सोल्ड टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर को अभी नहीं बेची जा सकती है, डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचेंगे ना, प्रोसेस है ना पूरा। गोडाउन क्या होता है, ऐसी जगह जहां बेचने के उद्देश्य से हमने कोई चीज रखा है। बोला है इट इज अ प्लेस लोकेशन और वेयर हाउस रैक वेयर द आइटम आर गुड्स सोल्ड, गुड्स लाइक रॉ मटेरियल। तो गोडाउन में सिर्फ ऐसी चीज थोड़ी रहेंगे जो कि बन गई है, उसमें रॉ मटेरियल भी इन्वॉल्व है, जो वर्क इन प्रोग्रेस वो भी इन्वॉल्व है, बन रहे कुछ बन रही पड़ेगी। लकड़ी मंगवा रहा हूँ कच्चा बनाने के लिए, वो क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल। कुर्सी बनवा रहा हूँ, 1 दिन में सारा नहीं बनेगा, मान लो आधा दो पाया बना, दो पाया नहीं बना, वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी रखा हुआ है गोडाउन। अब कुर्सी बनकर तैयार हो जाएगा, भी मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, इन तीनों स्टेट में है कि नहीं, वही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत है? और एसकेयू मतलब क्या है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि किसी आइटम को रखने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल आप करते, जैसे अगर पाउडर वगैरह है, वाशिंग पाउडर वगैरह, तो आप केजी का इस्तेमाल करेंगे। कोई लिक्विड वाली चीजें हैं तो लीटर का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हर स्टॉक की कोई ना कोई यूनिट होगी, बस आज के लिए यही तक, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।